जा रहे क्रीम वाले बिस्कुट खाने। कहाँ जा रहे क्रीम वाले बिस्कुट खाने? दुकान दुकान। मम्मी आए हमें ना, कहाँ जा रहे बाबू? दुकान चलते हम लोग। चलो जी। नहीं सी पापा ने क्या बोलते, वो नहीं आ रहे? नहीं। ये देखो जी इधर बारिश के बाद के हालात। इधर यहाँ पे स्लाइड हुआ है और ये देखो वाला जो हमारा यहाँ पे हुआ था वो भी काफी बुरी हालत में है। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी लोग ठीक ठाक होंगे एंड अपना जो हाल चाल है ना वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ, क्योंकि आजकल जो हालात हिमाचल में बने हुए हैं तो आजकल हाल चाल जानना ना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड अभी आज अगर मैं बताऊं शिमला की, अगर मैं बात करूँ हमारे अपर शिमला की, तो सुबह से आज मौसम हमारे साफ है, सुबह से बारिश रुक गई है और थोड़ा सा मौसम खुल गया है दो तीन दिन के मुकाबले। और कुल्लू में भी मेरी बात हो गई थी, कल शाम को मेरे भाई का फोन आया था तो उसने कहा कि कल शाम से लेकर के मौसम रुका हुआ है, मतलब बारिश रुकी हुई है, हाँ बादल हैं बट मौसम कंपैरेटिवली काफ़ी सुधर गया और जो पानी का बहाव था, जो व्यास और पार्वती का जो लेवल था ना, वाटर लेवल था, वो भी कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो गया है। तो आई होप कि अभी चीज़ें सारी नॉर्मल हो जाएंगी और ये जो मौसम है ये हमारा साथ देगा और सारी चीज़ें धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएंगी। तो अभी मैं और नायशा जा रहे हैं शॉप। नायशा ने कहा कि इसको बिस्किट खाना है बट क्रीम वाले खाने हैं, तो वो शॉप में ही होंगे क्योंकि घर में क्रीम वाले बिस्किट ख़त्म थे। तो मुझे लगा क्यों ना हम दुकान की तरफ ही जाते हैं, मौसम अभी रुका हुआ है, बारिश नहीं हो रही है एंड इतने दिन से लेकर के अंदर काफ़ी दम घुट रहा था हम लोगों का, तो थोड़ा सा दुकान वगैरह होके आते हैं और गांव का हाल भी देखते हैं ज़रा कि कितना स्लाइड हुआ है, कैसे कैसे हैं गांव के सब लोग, सबको पूछ के आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। नैशी पानी में तो ना जाएं, सूखे में जाएं आप, चलो सूखे सूखे में चलो। ये देखो इधर गेट के साथ ही, और ये जो नाला है ना ये बहुत कम आता है हमारे घर के साथ ही, गेट के साथ ही देखो नाला है, उधर पानी बह रहा है और ये नाला मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही कम टाइम देखा है जब भी इसमें पानी होता है, जब ये आता है। और इस बार ये देखो इसमें काफी पानी है और आवाज़ देखिए बैकग्राउंड में काफी आवाज़ आ रही है पानी की। छाता हम लोगों ने साथ डाल रखा है क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं, अगर हम लोग गाँव की तरफ गए तो इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें। ये देखो इधर पानी ही पानी, इधर चला हुआ है पानी नाले का और इधर भी है, वो देखो उधर भी आ रहा है। बस बस आ जाओ। नो 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 नो, ये कीचड़ है ना ऐसा लिखना है इसके ऊपर, जिसे ये है ना इससे लिखते हैं यहाँ पे। ओ भाई इस पे, ओए नायशा लिख दिया एम जी माउंटेन गर्ल, माउंटेन गर्ल नायशा, ठीक है लो लिखो आप भी। चलो हो गया, नहीं तक नहीं। तो ये देखो यहाँ पे भी बिल्कुल इसके साथ में ना यहाँ पे भी स्लाइड हुआ है, अभी देखते आगे कितना स्लाइड हुआ है, पूरे गांव का चक्कर मारते गांव के हालात देखे आते हैं। देखिए यहाँ भी हर कहीं से पानी निकल आया है। आ जाओ, शॉप तो ओपन है भाई, आ जाओ। हाँ यहाँ पे भी पानी है, शॉप में तो कोई नहीं है। ऐसा कहते ना पहले स्कूल से आते देख के, वहाँ पे मैंने सुना स्लाइड हुआ है, जब तक आएंगे तब तक चाचू आ जाएंगे, अभी कहीं गए होंगे। आ जाओ चलो, आ जाओ मेरे बच्चों, स्कूल से वापस आते हैं मिट्टू 10 मिनट में। ये चाचू चलो ले लो, क्या लेना है? ये वाले इलायची वाले नहीं है मिट्टू, यही वाले हैं। आप एक या दो खाते हो मेरे को पता है आपका चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है ओके। तीन ले चलो दो भाइयों के लिए, ले लिया सामान, चलो अब स्कूल की तरफ चलते हैं ओके। देखो बरसात में नहीं, हाँ यहाँ भी बॉडी भर गई है, देखो यहाँ से जा रही है पानी, बरसात में पानी के तो मजे होते हैं, पानी ही पानी जाने, इतना भी वही वही हालत खराब करने वाला पानी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हुआ है साइड, ये ऊपर इधर ऊपर को स्कूल का ग्राउंड है, तो ये वाला देखो यहाँ से पूरा आया हुआ है सड़क में। वो देखो यहाँ इस वाले ग्राउंड से भी आ गया, अच्छा आ गया। हाँ जी नायशा, नहीं बेटी यहाँ से नहीं जा सकते।
और ये देखो जी यहाँ से गांव पूरा दिखता है। और ये मौसम खुला हुआ दो तीन दिनों के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है, इस तरह से रुका हुआ मौसम बिना बारिश का मौसम। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं स्कूल और यहाँ पर क्या है, करण भैया नहीं बेटू, करण भैया तो अपने घर में है। यहाँ पर ना जरा स्कूल के हालचाल देखते हैं। ओ भाई नायशा, ओ यार बहुत स्लाइड हुआ है, उधर देखो उधर मैं देख पा रही हूँ, वो देखो बेटे परे, ये देखो वो वाला पोर्शन पूरा नीचे आ गया वहां से। नायशी आप इधर ही बैठो, यहाँ से आगे नहीं आना बेटू, ठीक है मैं आती हूँ वहाँ से वीडियो बना के, क्योंकि वहाँ पे रिस्क है ना, वहाँ पे और भी आ सकते हैं, आप यहीं पे वेट करो दो मिनट में आई मैं। अरे ये देखो ये पूरा ऊपर से आ गया, और जहाँ से ये स्लाइड होने से थोड़ा सा ऊपर हार्डली 3-4 फुट ऊपर सड़क है, जो मेन सड़क हम लोगों की जाती है यहाँ से। और ये देखो यहाँ से पूरा ये स्लाइड होकर नीचे आ गया है, यहाँ पर हर बरसात में ये दिक्कत रहती है स्लाइडिंग की। चलते हैं वापस गांव की तरफ, चलो बिट्टू। और इसके साथ ही ना एक और नोटिफिकेशन अभी अभी आई है कि हम लोगों की जो मॉनसून हॉलीडेज थी वो 22 से लेकर के होनी थी, अभी वो प्रीपॉन्ड हो गई हैं और 10 से लेकर के 15 तक वो हमारी छुट्टियां होंगी, मतलब अभी एक हफ्ता और घर में ही हम लोग होने वाले हैं। चलो जी अब चलते हैं रेन चाची और अलका बुई के घर की तरफ। मारते ना यहाँ से लॉन्ग रूट, उधर से जाना पड़ेगा घूम के, हम लोग शॉर्टकट इधर से जाते हैं, है ना? ओके आती है क्योंकि आजकल मॉनसून का सीजन है बेटू, मॉनसून सीजन है आजकल। उस तभी क्या सीजन होता है? जैसे गर्मियों का सीजन होता है ना, गर्मी आती है ठंडा आता है बर्फ आती है, नायशा बोलेगी मम्मा गर्मियाँ कैसी होती है इस बार तो गर्मी ही नहीं आई है ना। अच्छी बिस्किट खाना है इसको लग रहा है कि मैं खा ही लूँ बिस्किट, मतलब कितने बड़े बड़े गड्ढे बन गए कच्चे रोड में यहाँ से। और ये देखो यहाँ पे पूरी जमीन बैठ गई है नीचे। ये ओ भाई नायशा आराम चलो, कोई बात नहीं, नायशा बेबी इज वेरी स्ट्रॉन्ग है ना। ये देखो यहाँ पे भी स्लाइड हुआ है, जगह जगह पे स्लाइड हो रखा है, ये वाला भी गिरा हुआ है। अब कैसे जाएंगे इस कीचड़ में हैं? जाना तो पड़ेगा मम्मा, जाना तो पड़ेगा, फिर कैसे जाएंगे, साइड साइड से चलना है ना। अब यहाँ से तो नायशा रास्ता ही नहीं है, ऊपर को चलो, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को जाओ, यहाँ से चलो, यहाँ से इधर को। ओह माय गॉड कितना मुश्किल है। हाँ बेटा ऊपर यही जिंदगी है, दिस इज लाइफ। नमस्ते जी कैसी आई बारिश है रजे की, अभी और चाहिए हो गए परेशान, कंट्रोल ही नहीं किया, इसे रुका ही नहीं गया खाए बगैर, कब से लेके बोली ऊपर से खा ही लेने, मम्मा बहुत भूख लगी बिस्किट खाने, मैंने पता नहीं क्या आई इसको ऐसे बिस्किट खाने की, ऐसे तो खाती भी नहीं उतने। कर दो बेटू सबको, गुड गर्ल है, खाना पड़ता है, शेयर करती मैं तो खाऊंगी भाई, देखो ये आप लोगों को भी शेयर करेगी, बेटू जल्दी से शेयर करो मेरा बच्चा, वहाँ भी दे दो चाची को, हाँ उधर भी दे दो, अरे यहाँ इसमें दो पैकेट और है आप खाओ, उधर भी दे दो बेटू चाची को भी दे दो। थैंक यू दे दो बेटू, खाते हैं वन तो खा ही सकते हैं ना। चले हम लोग दिन चाची के घर से घर। दिन चाची क्या हो गया, गुड़िया नानी आ गई है, नायशा बाबू क्या हो गया, पानी हो गया था बंद। अच्छा नायशा बाबू को डाले इसमें, साइड हो रही है यहाँ पे, कर रही है रास्ता बना रही है इसके लिए। नायशा देखा नीचे मत जाना बेटे, यहाँ पे जल्दी हम लोग पहुँच गए घर, और नायशा बेबी सो चुकी है। सी दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के ब्लॉग को करते यहीं पर एंड, एंड आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और हिमाचल के मैक्सिमम जगह पे मौसम जो है वो थम चुका है, और पहले से जो हालात है वो थोड़े बेटर हो गए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके वहाँ पे मौसम कैसा है, और धीरे धीरे ना सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सब चीज़ें पटरी पे आ जाएंगी। सो टेक केयर, सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।